आपके साथ हिमानी नथानी और सत्य पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी कि पुलवामा में आतंकियों ने कैसे रची सीआरपीएफ पर हमले की साजिश। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। सत्य पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी एम्स के रिपोर्ट के बहाने सुशांत सिंह के केस में कैसे फिर शुरू हुई सियासत। नमस्कार, मैं हूं गीतांशु और सत्य पे सत्ता में मैं आपको बताऊंगी कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने किस तरह से की है तगड़ी मोर्चेबंदी। मैं हूं मलिका मल्होत्रा, सत्य पे सत्ता में मैं आपको बताऊंगी राजस्थान में जारी बेटियों पर अत्याचार के खिलाफ कैसे फूटा बीजेपी का गुस्सा। मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय, सत्य पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी पंजाब में किसान कानून के नाम पर कैसे जारी है कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली वाली सियासत। नमस्कार, मैं हूं हर्षा चंदवानी, सत्य पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी कि हाथरस केस को लेकर कैसे जारी है विपक्ष का सियासी घमासान। यूपी की योगी सरकार ने राजनीति का सबब बन चुके चर्चित हाथरस केस की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने अभी भी सीबीआई जांच का विरोध किया है और शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की हाथरस में आकर के, तो वहीं आज एसपी का एक डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस उनके घर पर पहुंचा और जमकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और दूसरी तरफ यहां पर सर्व समाज के लोगों ने महापंचायत भी की। ये तस्वीरें हाथरस की हैं, जो सियासत का अड्डा बन चुका है। पिछले तीन दिन से यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा जारी है। इंसाफ की आड़ में नेताओं की गिद्ध पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। पीड़ित परिवार से मिलने आप नेता संजय सिंह भी दल बल के साथ हाथरस पहुंचे। इसी दौरान एक युवक ने संजय सिंह पर स्याही फेंकी। आरोपी युवक दीपक शर्मा राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया है। स्याही फेंकने के बाद वो लगातार आप नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। स्याही कांड के बाद आप कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और युवक के साथ हदापाई करने लगे। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आप नेताओं का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलकर मीडिया पर बयान दे रहा था, इसी दौरान संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। इससे पहले रविवार को भी आरएलडी और एसपी कार्यकर्ता ने भी हाथरस में जमकर हुड़दंग किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने जयंत चौधरी समेत 300 कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ हाथरस केस की आड़ में प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने और योगी सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची गई। यूपी पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इस मामले को लेकर 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। मैंने आपको बताया कि सही हम लोग चीजें एकत्रित कर रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं और आपको बुला के प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। यूपी के सीएम योगी ने भी हिंसा के साजिश रचने वालों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। पीएम मोदी और सीएम मोदी को बदनाम करने के लिए रातों रात दंगे की वेबसाइट बनाई गई, जिसकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे किए गए। सवाल ये है कि आखिर विपक्ष की नफरत और हिंसा की राजनीति कब बंद होगी। राजस्थान महिला अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। बारा में एक और नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात सामने आई। बेटियों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जयपुर में सड़कों पर उतरे और गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देखे 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 देखे।
राजस्थान में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं जयपुर की, जहां हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में महिला अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर बीजेपी का गुस्सा फूटा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी। कोरोना काल में सिविल लाइन्स फाटक के पास घंटों हंगामा होता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ भी तीखी झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत के राज में राजस्थान अपराध की राजधानी बन चुका है। 20 महीने में ही 4,34,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 10% मामले सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध के हैं। राज्य में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में, और उसमें भी आईपीसी के 3,05,000 मुकदमों में सिर्फ 10% मुकदमे केवल महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के, आगजनी के, इस तरीके के डकैती बलात्कार। दरअसल 12 में पिछले एक हफ्ते में ही नाबालिग लड़कियों से रेप के 3 मामले सामने आ चुके हैं। 2 अक्टूबर को सदर थाना इलाके में 15 साल की लड़की के साथ ज्यादती की गई। सवाल ये है कि आखिर बेटियों के खिलाफ हैवानियत कब रुकेगी? महिला अपराधों पर राजस्थान के डीजीपी का गैर जिम्मेदार बयान आया है। तो संख्या से हमें घबराना नहीं चाहिए, अगर संख्या से डर के हम रजिस्ट्रेशन करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो अन्याय करेंगे। डीजीपी ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार ठहरा दिया है। पुलिस और सरकार के ऐसे रवैये के खिलाफ ही बीजेपी सड़कों पर उतरी है। नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में कांग्रेस ट्रैक्टर पर सवार है। रविवार को राहुल गांधी ने मोगा से किसान बचाओ रैली की शुरुआत की। आज वो संगरूर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। आपको याद होगा कि 2022 में पंजाब में चुनाव है, लिहाजा किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सियासत चमकाने में जुटी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर किसान मोर्चा भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, लेकिन सवाल ये कि ये कांग्रेस की सियासत चमकाना कितना सही और कितना गलत है। रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में सियासत चरम पर है। राहुल गांधी की अगुवाई में सत्ताधारी कांग्रेस ट्रैक्टर पर सवार है, तो दूसरी तरफ अकाली दल भी किसानों के मुद्दों पर सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक पर मोर्चा संभाले हुए हैं। रविवार को राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोगा से किसान बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और ट्रैक्टर रैली लेकर मोगा से जटपुरा पहुंचे थे। दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं का काफिला संगरूर पहुंचा, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। और 6 साल से गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर आक्रमण हो रहा है। ट्रैक्टर की स्टेयरिंग पर बैठकर कांग्रेस सियासी कुर्सी बचाने की जुगत में है। हालांकि कृषि किसानों के खिलाफ पंजाब के कई किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन भी पिछले 5 दिन से जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीबीआई के निशाने पर है। उनके दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक के कई ठिकानों के ऊपर सीबीआई ने छापेमारी की है। 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं और इसके अलावा डीके शिवकुमार के साथ साथ कई लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु और दिल्ली के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के ठिकानों की। यहाँ सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक में शिवकुमार के 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है। उनके भाई डीके सुरेश के घर में भी छानबीन की गई है। एक तरफ जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। इस मामले में शिव कुमार पिछले दो साल से ईडी और इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर हैं। पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, जिसके बाद सरकार ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी थी। सुशांत केस की अभी सीबीआई जांच पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल सुशांत के एम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद शिवसेना की तरफ से इस पे तंज कसा गया। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत नशे के आदि थे, निराशा से ग्रस्त हो चुके थे, और अब तो सीबीआई और जब देश की कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर ले। और आत्महत्या में उलझी जांच, एम्स की रिपोर्ट पर शुरू हुई राजनीति, कई एंगल से तफ्तीश और दर्जनों लोगों से पूछताछ के बाद भी अभी तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जांच में हो रही देरी से चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। दरअसल एम्स की रिपोर्ट में सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया गया है। रिपोर्ट का हवाला देकर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा है। सीआईए की टीम आणली तरी काही हरकत नाही। मुंबई पोलीस, आधी मुंबई पोलिसांवरती विश्वास नव्हता। चीनो पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। देश को यह भरोसा दिलाया है एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने, और खास बात यह है कि हमारी यह तैयारी सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके में ऑपरेशनल तैनाती की जा चुकी है और किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरा प्लान तैयार है। भारतीय वायु वीरों की ललकार, मोर्चों पर हम हैं तैयार कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। पाकिस्तान और चीन को भारतीय वायुसेना हल्के में लेने की गलती ना करे, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से तैयार है। चीन को LAC पर करारा जवाब मिल चुका है और अगली हिमाकत आसमान से उसकी कब्र खोद देगी। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकियों में दरअसल परेशानी है और यही कारण है कि वो लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। पुलवामा में आपने देखा कि किस तरह से आतंकियों ने घात लगाकर बैठे जो CRPF के 110 बटालियन है उस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 5 घायल हुए हैं। आतंकियों ने किया घात लगाकर हमला, CRPF के 2 जवान शहीद, 5 घायल। हाईवे पर सर्च ऑपरेशन और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी की ये तस्वीरें कश्मीर के पंपोर की हैं, जहां आतंकियों ने हाईवे की सुरक्षा में तैनात CRPF के जवानों को निशाना बनाया है। अधिकारियों के मुताबिक CRPF 110 बटालियन के जवान कांधी जल पुल पर रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 आतंकियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक किए गए हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 के नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह और धीरेंद्र त्रिपाठी हैं।